चलो दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है केज ऑफ चैप्टर 2 से जुड़ी हुई। पहली सैंडलवुड की फिल्म और दूसरी इंडियन फिल्म बन चुकी है जो पूरे पूरे इंडिया में ही 1000 करोड़ के ऊपर का ग्रॉस कलेक्शंस किया है। इसकी रिटेल कलेक्शंस आएंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ, ये ऑफिशियल हो चुका है। एक बहुत बड़े क्रिटिक ने साफ साफ कह दिया है कि इस फिल्म ने एक तो वर्ल्ड वाइड कल तक 1200 करोड़ इसने कमाई कर ली है 32 दिन तक, लेकिन 33 दिन जो कल हुए है यानी परसों तक 1200 करोड़, क्योंकि कल अपडेट आया था। और अभी का जो अपडेट आया है आज दोपहर तक का, उसमें ये पता चला है कि इसने 33 डेज में 1000 करोड़ प्लस इंडिया में कमाई कर ली है। और बाहुबली 2 एक पहली ऐसी फिल्म थी जिसने इंडिया में 1000 करोड़ के ऊपर तक का ग्रॉस कलेक्शन किया था। उसके बाद दूसरी फिल्म जो है वो बन चुकी है केजीएफ चैप्टर 2, जिसने 1000 करोड़ का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। यहां से फिल्म इंडिया में कितना लंबा जाएगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक चीज साफ है कि हिंदी वर्जन का जिस तरह से कलेक्शन आ रहे हैं वो इस फिल्म को आगे ही लेकर जा रहे हैं। और 1200 करोड़ जब वर्ल्ड वाइड हो चुकी है तो मुझे लगता है ये फिल्म और 60-70 करोड़ कमाने का दम रखती है, यानी कि अगर ये 1300 करोड़ तक जाके एंड हो सकती है, इसमें इतना दम है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। और कितने खुश हैं कि इंडिया की सेकेंड फिल्म और सैंडलवुड की पहली फिल्म बन चुकी है 1000 करोड़ कमाने वाले, जरूर बताएगा। अगर आप दंगल का सोचते होंगे, दंगल ने इंडिया में कलेक्शन किया था लिमिटेड, लेकिन इंडिया के बाहर उसने चाइना में ज्यादा कलेक्शन किया था 1200 करोड़ का, इसलिए उसका कलेक्शन 2000 करोड़ के ऊपर गया है, तो वो अलग चीज है। इंडिया में लेकिन उसने 1000 करोड़ का ग्रॉस नहीं किया था दंगल ने। बाय बाय।